नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। पांच की आंच में आज बात करेंगे साइबर ठगों के बढ़ते जाल की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में मंत्र दिया है। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई टीम की, इसे लेकर बीजेपी हमलावर है तो कांग्रेस सफाई दे रही है। साथ ही आज बात करेंगे कांग्रेस नेताओं की मुश्किलों की, जो एक वीडियो को लेकर बढ़ी है। तो वहीं जबलपुर ब्लास्ट में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, विस्तार से पूरा मामला बताएंगे। साथ ही छतरपुर के काले धन के कुबेर की भी बात करेंगे। तो वहीं त्योहारों को लेकर भिंड और भोपाल में खाद्य विभाग ने छापेमारी की, क्या कुछ मिला ये भी आपको दिखाएंगे। डिजिटल फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए थे। यूपी के आगरा चित्रकूट से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान डिजिटल फ्रॉड को लेकर लोगों को जागरूक भी किया है। अगर कोई फोन पर पुलिस, सीबीआई या इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर बात करे तो सावधान हो जाइए, हो सकता है आपको फंसाने के लिए जाल बिछाया जा चुका हो। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस पर चर्चा की, उन्होंने एक क्लिप भी दिखाई। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए सर। देखिए, जो आपने FIR नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? मैंने नहीं यूज करता हूँ सर। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? सर कर्नाटका सर, वो मगर में हूँ सर। ओके, इसके लिए आप अपने स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके यस सर। अभी मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, आप अपनी स्टेट में रिकॉर्ड करवाइए ताकि ये नंबर ब्लॉक कर दिया जाए। ओके यस सर। यस सर। अब बताइएगा मैं किसके साथ बात कर रहा हूँ। अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, बताइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। फोन आपके फोन में है? नहीं सर। फोन में आधार कार्ड की पिक्चर नहीं है आपके पास? नहीं सर। नंबर याद है आपको? सर नहीं है सर, नंबर भी याद नहीं है सर। हमने सिर्फ वेरीफाई करना है। ओके, वेरीफाई करने के लिए। नहीं सर, आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। हाँ सर, हाँ सर। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मुझे दिखा दीजिए वेरीफाई करने। नहीं सर, नहीं सर, मैं गांव को आया था सर, घर में है सर। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी RBI, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव
अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपये गंवा दिए हैं। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। पीएम ने साइबर फ्रॉडों को समाज का दुश्मन बताया। इसके बाद पीएम ने डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए तीन अहम बातें बताई। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है, लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। एजेंसियां अपना काम कर रही है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। साइबर अपराधी बेहद शातिर होते हैं। अगर एक बार आप उनके झांसे में आ गए तो फिर वो आपकी कमाई पर सेंध लगा सकते हैं। लेकिन अगर सावधानी बरती जाए तो ऐसे फरेब से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने देर ही सही लेकिन कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, लेकिन इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की अनदेखी करने के आरोप लगाए, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने पूरे मामले पर सफाई दी है। सुनिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। सूची में युवाओं को तरजीह मिली है। उधर इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। नरेंद्र सलूजा ने आरोप लगाया कि काफी मान मनौवल के बाद ये सूची जारी हुई है, लेकिन सूची जारी होने के बाद घमासान होना तय है। बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही नकुल नाथ को शामिल न करने पर सवाल उठाए हैं। सूची को देखकर ही समझा जा सकता है कि इसमें जीतू पटवारी की कलाकारी पूरी तरह से सामने आई है। कई लोगों को निपटा दिया गया है। जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह समर्थकों की भरमार है। वहीं यदि बात करें तो कमलनाथ जी, अरुण यादव, अजय सिंह, उमंग सिंह, कांतिलाल भूरिया जैसे लोगों के समर्थकों के नाम पूरी तरह से सूची से नदारद किए गए। जहां एक तरफ इस सूची में दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह का नाम है, कांतिलाल भूरिया और उनके पुत्र विक्रांत भूरिया का नाम है, अरुण यादव और उनके भाई सचिन यादव का नाम है, वहीं कमलनाथ जी से जीतू पटवारी ने बेर दिखाते हुए उनके पुत्र नकुल नाथ का 177 सदस्य सूची में भी नाम शामिल नहीं किया गया। बीजेपी के आरोपों पर जीतू पटवारी ने सफाई दी। नकुल नाथ को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का मेंबर बताया, साथ ही कहा कि राजनीति में संतुलन जरूरी है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में राजनीति में संतुलन जरूरी है। यूथ की एनर्जी भी आवश्यक है और अनुभव का एक 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 तरह का सोच भी जरूरी होता है, तो दोनों को बैलेंस किया। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आलाकमान ने प्रदेश की कमान जीतू पटवारी को सौंपी थी। चुनाव के मद्देनजर लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को कड़ी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस के भीतर खाने से पटवारी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे।
अब प्रदेश कार्यकारिणी का गठन हुआ है। पटवारी के सामने पार्टी के अंदर के साथ ही पार्टी को मजबूत करने की चुनौती है। इन चुनौतियों से वो कैसे निपटते हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मंत्री रामनिवास रावत का 6 साल पुराना वीडियो पोस्ट करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की मुश्किलें और बढ़ सकती है। पुलिस ने मामले में जांच के बाद आईटी एक्ट की धाराओं का इजाफा किया है। इन धाराओं में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि श्योपुर के विजयपुर थाना पुलिस ने बीते शनिवार को भाजपा नेताओं की शिकायत पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन अब आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। तो वीडियो तो जारी कर दिया, लेकिन अब केस दर्ज हो गया है। किस किस के नाम सामने आए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं, ये बड़ा सवाल बरकरार है। दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है। हालांकि मंत्री रामनिवास रावत का 6 साल पुराना वीडियो पोस्ट करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। ब्लास्ट के कुछ ही घंटे के बाद ही पाकिस्तानी हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जिसमें ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया गया था। तो वहीं जबलपुर पुलिस ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी है। पोस्ट किसने, कहां से और क्यों किया, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। पोस्ट करने वाले ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया की यात्रा के सुखद और आतिथ्य के लिए धन्यवाद किया है, साथ ही नीचे लव पाक आर्मीज लिखा हुआ है। ये देखिए पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। ब्लास्ट के कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तानी हैंडल से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया। ये पोस्ट आप देखिए, इस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है ये भी देखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कहां किस देश का है ये पता किया जा रहा है, और इंग्लिश में जो उसमें 4 लाइन लिखी हुई हैं उसका एक्चुअली क्या उसका रिलेवेंस है और क्या उसका वास्तविक अर्थ है, ये भी हम जो है समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें किसी भी तरह का अपराध पाया जाता है तो पुलिस उस अनुसार वैधानिक कार्रवाई करेगी। तो वही छतरपुर में सहकारी समिति के सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी हुई है। बता दें कि अरुण कुमार गुप्ता के पास आय से 200 गुना ज्यादा संपत्ति मिली। सागर लोकायुक्त ने सेल्समैन के ठिकानों पर छापेमारी की। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सागर लोकायुक्त पुलिस ने छापेमारी की और ब्लैंक चेक सहित दर्जनों जमीन की रजिस्ट्रियां भी मौके से मिली हैं। दस्तावेज मिले हैं रजिस्ट्री के संबंध में, 24 चेकबुक, 4 बैंकों के खाते, कई चेकबुक मिले हैं, पासबुक मिले हैं, और ऐसे भी हमें चेक मिले हैं जो किसी अन्य के द्वारा जारी किए गए इनके नाम से या इनके द्वारा उनसे लिए गए हैं, और इनके द्वारा जो ब्याज पे पैसे दिए गए हैं उसकी पूरी जानकारी मिली है। कुछ नकदी प्राप्त हुई है, जेवरात प्राप्त हुए हैं और बाकी सारी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इन्वेंटरी तैयार की। त्योहारों पर मिठाइयों में मिलावट को देखते हुए भिंड में प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर के आदेश के बाद सरोज नगर में एक मिठाई गोदाम में छापेमारी की गई और भारी मात्रा में रखी खराब मिठाइयों और
खाद्य पदार्थों को नष्ट किया गया। इसके साथ ही गोदाम को सील कर दिया गया, नोटिस भी दे दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने शहर के कई अन्य डेयरियों का मुआयना भी किया और मावा के नमूने भी लिए हैं। राजधानी भोपाल में खाद्य विभाग ने अलग अलग रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकान पर कार्रवाई की। इसके साथ ही मावा पनीर मिठाई के सैंपल खाद्य विभाग ले जा रहा है और जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। साथ ही टीम ने कई रेस्टोरेंट के लाइसेंस भी निरस्त किए हैं। रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच मिलने से ये कार्रवाई की गई है। अब ये दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो गंदगी का अंबार आप देखिए। एक तरफ भिंड में जहां डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सारे जो है लिए गए हैं, हालांकि इनके सैंपल्स को लैब भी भेज दिया गया, तो दूसरी तरफ कॉकरोच। भोपाल में देखिए कितने गंदगी से चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, और जो खरीदार होते हैं उन्हें नहीं पता रहता कि कितनी गंदगी है, जिसकी वजह से खाद्य विभाग की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण एवं नमूना कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में आज हमने राजीव नगर चेरीताल जबलपुर स्थित लक्ष्मी नमकीन फर्म का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें अभी लेवल की समस्या आई है, कि यानी इनकी लेवल की मशीन खराब हो गई है, जिससे ये इसमें पैकिंग डेट वगैरह नहीं डालते। तो उसको देखते हुए अभी हम इनका खाद्य कारोबार रोकने हेतु, जब तक यानी मशीन इनकी नहीं आ जाती तब तक रोकने हेतु निर्देश दे रहे हैं। और जो भी यानी इनके द्वारा छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी के बेटे ने भोपाल में सुसाइड कर लिया है। तुषार ने ब्लेड से खुद का गला और नस काट कर जान दे दी। हाई प्रोफाइल मामले की पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। छत्तीसगढ़ में पूर्व डीजीपी रहे मोहन शुक्ला का बेटा अपने कमरे में खून से सना मिला। तुषार को पत्नी और उनका बेटा आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि तुषार ने ब्लेड से खुद का गला और कलाई की नस काट ली थी। हालांकि हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश भी शुरू की। जांच के दौरान कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। तुषार शुक्ला सन ऑफ श्री मोहन शुक्ला जी हैं, जो जिनके पिता मृतक के पिताजी जो पूर्व डीजीपी छत्तीसगढ़ सरकार में रहे हैं, वो उनके पुत्र ने अपने कलाई और गर्दन पे ब्लेड से मारकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, इसमें मर्ग कायम किया गया है और पोस्टमार्टम हो चुका है। जो मृतक की जो बॉडी है वो उस परिवार को सुपुर्द कर दी गई है। तुषार के दो बच्चे हैं। शुरुआती जाँच में ये बात सामने आई है कि वो पिछले 2 साल से डिप्रेशन में था और उनका इलाज भी चल रहा था। माना ये जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से तुषार ने सुसाइड कर लिया। इसमें जो प्राथमिक तौर पर जानकारी प्राप्त हुई कि मानसिक तनाव में थे और उनका कहीं इलाज भी चल रहा था किसी डॉक्टर के पास में, तो जो मोटे तौर पर भी प्राथमिक सरसरी तौर पर जो जानकारी प्राप्त हुई वो अभी तक यही है। ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन की वजह से वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे और किताबें पढ़ा करते थे। तुषार के घर वाले वारदात को लेकर सदमे में हैं, लिहाजा पुलिस का कहना है कि घर वालों के बयान के बाद स्थिति साफ होगी कि आखिर तुषार ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया। वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। दंतेवाड़ा के जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां डॉक्टरों ने फंगस वाले ओटी में मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। जी हां, यहां 20 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद 10 मरीजों की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनंद फानन में रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जिन मरीजों की हालत बिगड़ी है उन्हें इन्फेक्शन से फिर आंखों में समस्या हो रही है। अब हालत यह है कि मरीजों को दिखाई देना भी बंद हो गया है। इस समस्या के बाद मरीजों के परिजनों में आक्रोश है। मामला बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित की है। ये घोर लापरवाही, फंगस इन्फेक्शन को लेकर ये मरीज यहाँ पहुंचे थे, लेकिन सभी का आंखों का ऑपरेशन कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब एक के बाद एक ऑपरेशन किया गया, तो 10 ऐसे भी मरीज हैं इन 20 मरीजों में से जिनकी हालत बहुत गंभीर हो गई, जिन्हें दिखाई देना बंद हो गया। स्वास्थ्य मंत्री भी मौके पर पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीम गठित किया गया है, जो कि जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।
तमाम मरीजों के बयान जो है दर्ज किए जाएंगे इसमें, और फिलहाल परिजन आक्रोशित हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव इस दौरान अनोखे अंदाज में नजर आए। सीएम ने पहले बच्चों को खिलौने दिलाए, देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं। इसी दौरान वो यूपीआई से पेमेंट भी करते नजर आए। मंदिर में परिक्रमा के दौरान मुख्यमंत्री वहां से गुजरते हुए नजर आए। रास्ते में चाय की दुकान चलाने वाली एक महिला ने मुख्यमंत्री को चाय पर आमंत्रित किया, तो मुख्यमंत्री ने चाय की दुकान पर जाकर खुद चाय बनाई और फिर अपने सहयोगियों को भी चाय पिलाई। तो ये काफी अनोखा अंदाज मुख्यमंत्री का, और कितने जमीनी नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, ये आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां महिला चाय पिलाने के लिए आमंत्रित करती है, यहां पर लेकिन खुद मुख्यमंत्री चाय बनाते हैं और अपने सहयोगियों को भी चाय पिलाते हैं। ये देखिए चाय निकालते वक्त की तस्वीर, और छोटे बच्चों को खिलौना दिलाया मुख्यमंत्री जी ने, साथ ही यूपीआई से पेमेंट भी किया उन्होंने। देखिए तस्वीर, ये काफी अनोखा अंदाज मुख्यमंत्री का देखने को मिला। हालांकि जहां भी मुख्यमंत्री जाते हैं भीड़ इकट्ठा हो ही जाती है, लेकिन इस अंदाज को देखने के लिए इस बार कई लोग यहां जमे रह गए और खूब तारीफ की जा रही है, खूब सराहना की जा रही है। जमीनी नेता एक तरफ यूपीआई करते हुए और दूसरी तरफ चाय बनाते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर देखिए। मैं आज सतना में विद्या भारती के 35वें अखिल भारतीय वोट डालो यात्रा का समापन करने के लिए आया था। विद्या भारती के द्वारा वंदे मातरम गायन तथा विदाई संचलन के पूर्व मेरी अपनी ओर से विद्या भारती को वंदे मातरम गायन होगा। कल मैं चित्रकूट प्रवास अभी यहाँ आया हूँ। गीत प्रतियोगिता के परिणामों और पुरस्कार वितरण जब घोषणा हुई थी, तो उनके संबंधित जिन क्षेत्रों की घोषणा हुई थी उसमें जो आंशिक संशोधन है उस हेतु बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।